फैमिली क्या चाहते हैं आप लोग कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूं, यूट्यूब पे वीडियो ना बनाऊं? क्यों यार, मेरे से क्या दुश्मनी है? कुछ लोग जो अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं उनसे मैं यही हाथ जोड़ के कहती हूँ, मैंने क्या गलत किया यार? मैंने क्या वीडियो गलत बनाई जो आप लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं? जो खराब वीडियो बनाते हैं उनको तो आप मिलियन में व्यूज देते हैं, लेकिन जो मेहनत करके वीडियो बना रहा है, जो कुछ करना चाहता है, उनका सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं यार? क्या बुराई है मेरी वीडियो में? क्या मैंने गलत कोई ऐसी वल्गैरिटी है मेरी वीडियोस में जो आप ऐसे मतलब अनसब्सक्राइब कर रहे हो? मैंने क्या किया आप लोग के साथ? क्या मैं यूट्यूब छोड़ दूँ? क्या चाहते क्या हैं आप लोग, मुझे प्लीज बताइए यार। मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ, आप लोग को लगता होगा कि नहीं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है यार, मेहनत कर रही हूँ बहुत कुछ। 3 दिन मैंने वीडियो नहीं डाला, सिर्फ इस वजह से नहीं डाला क्योंकि मैं डिमोटिवेट हो चुकी हूँ, लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को मुझे बहुत ज़्यादा। मेरे से क्या दुश्मनी है आप लोग की? मैंने आप लोग का कुछ बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा है ना, कि कुछ आप लोग से गलत में कभी अपनी वीडियो में कोई शब्द गलत भी नहीं बोलती हूँ, ना किसी को गलत कोई टारगेट करती हूँ किसी को, फिर भी आप लोग ऐसा कर रहे हैं, कितना खराब लग रहा है मुझे, आप लोग नहीं सोच सकते। 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ मैंने कहा अब नहीं, मैं इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं डालूंगी, लेकिन इतना मेरे अंदर उलझन हो गई है इन चीज़ों को लेके कि मैंने कहा नहीं, अब मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा और आप लोग को बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है मेरे चैनल पे। तो ऐसा मत करो मेरे चैनल के साथ यार, बहुत मेहनत करके मैंने अपना ये चैनल को, होप टॉक की वजह से मेरा चैनल जो थोड़ा बहुत बढ़ा है उसको प्लीज यार आगे जाने दो। आप लोग से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, ऐसे मत करो कि अनसब्सक्राइब कर रहे हो, इससे क्या पता है, जो क्रिएटर होता है ना वो डिमोटिवेट हो जाता है, वीडियो बनाना छोड़ देता है और बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। आप लोग को लगता है आपका 1 सब्सक्राइब करना उस क्रिएटर के लिए कितना बड़ा मायने रखता है? मेरे लिए तो बहुत ज्यादा, मेरे माइंड में इतना प्रेशर पड़ा है इन चीजों, मैं YT नहीं खोलती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, मुझे उलझन होने लगती है, टेंशन हो जाती है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, यही मन करता है किससे बोल दूं सारी चीजें, लेकिन कोई नहीं होता है यार। क्या चाहते हो? मैं बहुत मेहनत करके इस चीज को, अपने चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज यार मेरा सपोर्ट करो, ऐसे डीमोटिवेट मत करो यार, प्लीज आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं सिर्फ अपने चैनल पे अपनी वीडियोस डालती हूँ, ना मैं किसी यूट्यूबर को टारगेट करती हूँ, ना मैं कोई वल्गैरिटी अपनी वीडियोस में ऐसा कुछ भी बनाती हूँ कि जो खराब लगे या किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे, ऐसी कोई वीडियो मैं कभी नहीं बनाती हूँ। और अपनी वीडियोस में एक फैमिलियर माहौल दिखाती हूँ, जो चीज है, जो रियलिटी है मेरी लाइफ की, वो आप लोग के सामने रखती हूँ। बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, वीडियो बनाना हर कोई यूट्यूब पे एक मकसद लेके आता है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ पैसे कमाना है, और वो भी यार अभी मैंने 1 रुपए भी यूट्यूब से नहीं कमाए हैं, आप लोग को सच बता रही हूँ। और यूट्यूब से कब पैसे आएंगे, वॉच टाइम कब पूरा होगा, वो बहुत कठिन काम है, कोई इजी काम नहीं है यार, ये आप भी जानते हो, लेकिन हाँ बहुत जल्दी आप लोग के सपोर्ट से मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला है। तो प्लीज यार सपोर्ट करो, ऐसे मत करो। आप लोग के पता है मुझे इतनी टेंशन हो गई, इस वजह से मुझे ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है। मैं जब होप टॉक पे गई थी तो मैं एक होप लेके गई थी कि मेरा चैनल बूस्ट हो जाएगा और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने किसी को अपशब्द नहीं कहे हैं जिसकी वजह से आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हो, या मैंने अपनी वीडियोस में, अब एक बात आप लोग को मैं हाथ जोड़ के बताना चाहती हूँ कि यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ किसी प्लेस पे एक्सप्लोर करूँ। मैं लड़की हूँ, उस तरीके से मुझे, मैं इतने जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो इतना खुला माहौल भी नहीं है वहाँ का कि मैं कहीं जा सकूँ, ना मेरे घर में कोई इतना सपोर्टिव, मतलब मम्मी को छोड़ के मैं कहाँ चली जाऊँ। आप लोग भी समझ सकते हो, उनके घर में पापा होते हैं तब उनके घर में प्रॉब्लम होती है, हमारे घर में तो कोई है ही नहीं, मतलब कोई कमाने वाला ही नहीं है, स्रोत ही नहीं है कहीं से, जो घर से थोड़ा बहुत किराया मिलता है उससे हमारा घर चलता है, उससे भी आप लोग को बता नहीं सकती इस टाइम इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि जो आप लोग से कहने का, मतलब कह भी नहीं सकते कि कितना हम लोग इस टाइम परेशान हैं। मेरे भाई छोटे छोटे हैं, वो इस टाइम इतना टेंशन में, अनुराग कहता है मैं कहीं जॉब कर लूँ। अब आप सोचिए कि किस तरीके का माइंड बच्चों, अनुराग कल रो रहा था, किस लिए रो रहा था, क्योंकि वो चीज़ें फेस कर रहा है, वो चीज़ें हम लोग जान रहे हैं कि हमें किस चीज़, वो भी बड़ा हो रहा है, उसकी भी ज़रूरतें हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं उनकी खुद की ज़रूरतें होती हैं, लेकिन यार मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ करें कुछ करें, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं यूट्यूब से कुछ करूँ, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो रहा है और मुझे इतना दुख हो रहा है, ऊपर से आप लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, साथ छोड़ कर जा रहे हैं, ऐसा मत करिए यार, मुझे प्लीज उस मुकाम तक पहुंचा दीजिए जहां तक मैं पहुंचना चाहती हूँ, आप लोग के सपोर्ट से ही हो सकता है, बाकी मैं कोशिश अपनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन आप लोग के सपोर्ट से ही सब कुछ पॉसिबल है।
मेरे घर वालों को, जब आप लोग मतलब मेरे सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब करते हैं, मैं मम्मी को बताती हूँ, तो मुझे इतना टेंशन हो जाती है, मैं वाईटी नहीं खोल के देखती, मैं कुछ भी अपना एनालिटिक्स चेक नहीं करती कि क्या है क्या नहीं है। मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, मैं देखती नहीं हूँ, क्योंकि व्यूज आजकल पता नहीं क्या, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है जो ऐसा लोग कर रहे हैं, पता नहीं किसी के साथ मैंने कुछ गलत कर किया भी नहीं है, ना कहा है किसी को, तब भी लोग ऐसा कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं, जो लोग रोस्ट करते हैं, उनको कुछ नहीं, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा, तो आप लोग ऐसे कह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, मतलब मेरे साथ ऐसे मत करो यार, मैंने क्या बिगाड़ा है? अगर आप सपोर्ट कर दोगे तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा यार, आपके सपोर्ट से मैं आगे जाऊंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और वैसे भी मैं आप लोग की बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, आप लोग बड़े हैं, बहुत सारे बड़े लोग मुझसे अटैच हैं जो मुझे बहन मानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 3-4 दिन से मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया सिर्फ इसी कारण से, लेकिन एक बात मैं बता दूँ, मामले में आप लोग को बता दूँ कि लाइट चली गई तो लाइट चली गई, लेकिन मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि मैं यूट्यूब पर काम करना नहीं बंद करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेहनत करूँगी और मैं आगे जाऊँगी, बस मुझे ये है, मुझे सक्सेस, मैं सक्सेस के पीछे पड़ जाऊँगी, मुझे सक्सेस चाहिए और मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं मेहनत करूँगी, बस इस चीज़ से मैं रोज़ वीडियो अब अपलोड करूँगी, डेली का डेली, बाकी सब आपके ऊपर है, आप लोग कितना मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, यार मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और मेरे घर वालों को भी आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो जाए और हम जो चाहते हैं वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएं, क्योंकि हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आप अगर आप हमारे ब्लॉग वगैरह देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा, नहीं देखते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा प्लीज़। आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो फैमिली, मम्मी आप लोग से कुछ कहना चाहती हैं तो मम्मी बताओ। राधे राधे सबको, राधे राधे भैया नमस्ते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हम लोग का साथ दीजिए, हम लोग को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाकी मम्मी कैमरे पर जब भी आती हैं इमोशनल हो जाती हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, मम्मी कुछ बोल नहीं पाती हैं ज़्यादा, और इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोग के सपोर्ट से ही कुछ पॉसिबल हो सकता है, बाकी मुझे तो नहीं लगता कि हमारा इस दुनिया में कोई सपोर्ट करने वाला है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, बाकी आप लोग की इच्छा। तो सभी को राधे राधे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो।